गाइस देख सकते हैं मेरा गुड्डा कन्नी खा रहा है इस तरफ को। अब हम आपको दिखाएंगे इसकी कन्नी का सब आंदर, जिससे गुड्डा सीधा खड़ा रहे और ऐसे इधर उधर ना आ जाएगी निचले पे। तो चलिए दिखाता हूँ आपको, उतार लेते हैं। ये इस तरफ जा रहा है, लेफ्ट साइड को जा रहा है। तो अभी आपको हम बताएंगे इसको सीधा कैसे करना है। ये देखिए, चलो बताएं कैसे हम बांधेंगे। हम इस तरफ आते हैं, ये हमारी डोर नीचे पड़ी हुई है अभी, तो हम इसको बाद में सीधा कर लेंगे। तो हम अब आपको बताएंगे कैसे इसको कैसे सीधा करेंगे। ये देखिए इसकी इस तरफ को, इस तरफ को ज्यादा थका था पीला, तो इस तरफ को हम नरम करेंगे। हाँ ऐसे घुमा लेना है थोड़ा सा आगे पकड़ के। देख इस तरफ को कन्नी खाता था तो पीला, इस तरफ को थका था इसलिए हम कन्नी मान लेंगे। इधर से थोड़ा सा आपने नरम कर लेना है करके। जिस तरफ को कन्नी खा रहा है उस तरफ नहीं करनी आप लोगों ने, नहीं तो और ज्यादा खाएगा, फिर और ज्यादा उधर को घूमेगा। उसकी ऑपोजिट साइड पे ऐसे करना है, ठीक है? सही हो गया। अब हम उड़ा के देखते हैं सही है कि नहीं। मुझे तीन तो सही है। चले अब बताएं, ठीक तो हो जाएगा। चलो अब उड़ा के दिखाएंगे। तो अभी आपको दिखाया था हमने कि जो पतंग है इस तरफ को जा रहा था, लेफ्ट साइड को। अभी देखें बिल्कुल सीधा जा रहा है। सिर्फ छोटा सा आपने काम करना है कि उसकी ऑपोजिट साइड को, जो उसकी गोल वाली कमान है ना, उसको आपने ऑपोजिट साइड को थोड़ा सा हाथों से नरम कर लेना है और ज्यादा, क्योंकि वो सख्त होती है। थोड़ा खींच के बताएंगे, ये लो आपको बताएंगे खींच के। ये देखें अभी सीधा है, पहले आपको दिखाया था वो इस तरफ जा रहा था, इस तरफ, अभी सीधा है। तो इसके साथ ही हम अपनी वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो आप कमेंट भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।